विनी बताएं क्या है आपके पास रिसर्च? तो एब्सोल्युटली टेक्सिनटेक के नंबर्स एक तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे. उसके बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई वो भी काफ़ी बुलिश कमेंट्री, आगे जाते हुए FY24 की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री वहाँ पे भी दिख रही है. तो पहले तो कंपनी ने हाईलाइट किया कि वो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ ओवरऑल डिमांड ट्रेंड जो इम्प्रूव हो रहा है, और कंपनीज की नए कस्टमर्स की जो एक्विजिशन है, एडिशंस है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली मोबाइल बिजनेस में. मोबाइल बिजनेस में उनके 2 मेजर कस्टमर्स नए ऐड हुए हैं, तो वहाँ से वो जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें ये 2 कस्टमर्स से जो मोबाइल और EMS डिवीजन है वहां से अराउंड 4,000 to 5,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होगी सिर्फ FY24 में, और ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 5-6 महीने में. तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ तो होगी. उसके बाद जो मेन ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए वो है मोबाइल फोन का डिवीजन. उसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंपनी की वहाँ पे भी काफ़ी नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लाए हुए हैं जहाँ पे वो अच्छे ऑर्डर्स ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं. लाइटिंग बिजनेस में भी अग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. उनको एक्सपोर्ट्स की जो जानकारी इंक्वायरी चल रही है जर्मनी, वहाँ से भी उनका एक फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है जर्मनी से, और ये एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा और इंक्लूड हो जाएगा Q2 FY24 से. तो FY24 में इसकी भी बेनिफिट दिखेगी, और उनके से काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही है US और UK में भी ये डिवीजन के लिए. ऑल इन ऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है. लैपटॉप्स में भी भूलिए मत कि जो हार्डवेयर IT हार्डवेयर था वहाँ पे भी PLI स्कीम अभी आई थी, रिविजन आई थी वहाँ पे, तो ये भी एक बेनिफिशियरी बन जाएगा डिक्सनटेक के लिए और पॉजिटिव बन जाएगा डिक्सनटेक के लिए आगे जाते हुए. काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट से. ठीक है, कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शेयर का रिएक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. 3500 का शेयर हो गया आज ही, आज में 7% चला है. अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इसी कार्यक्रम में, विनी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, इसी कार्यक्रम में हमने आपको 2 शेयर आपके सामने रखे थे और हमने बहुत डंके की चोट पे कहा था कि एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और डिक्सन टेक्नोलॉजी दोनों शेयर ऐसे लगते हैं जिनका बेस पक्का हो गया और ये चलेंगे ज़रूर. इन्वेस्टर्स को इन दोनों शेयर्स में रहना चाहिए. अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप हमारा YouTube चैनल कल का भी जाके चेक कर लीजिए, परसों का भी जाके चेक कर लीजिए. मैं तो रोज़ ही बोल रहा हूँ दोनों शेयर्स. डिक्सन टेक्नोलॉजी पे एक बार आपका व्यू चाहिए हमको. सुदीप, आपको ऐसा लग रहा है कि एक नंबर्स की वेट थी, बेस कंफर्म था, अच्छा पुलबैक आ गया, अब उन लोगों को बाहर आ जाना चाहिए जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो किसी मतलब से शेयर में आए थे उनको बाहर आ जाना चाहिए, या फिर बने रहें? एक बार अनम्यूट कीजिए सुदीप, तभी तो आवाज आएगी. ठीक है डिंपी जी. टिंपी जी, ये स्टॉक एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था, 6,000 से तकरीबन ये 2,500 2,700 तक आया था. पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे थे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 2,800 2,900 के बीच में, और अगर इतना बड़ा ये मूव जो आया है 2,800 2,900 से 3,600 तक का, तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको तो एक बार बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट. जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है वो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए कोई अगर इस ये स्टॉक को होल्ड करे तो मुझे लग रहा है 3780 3850 तक के लेवल्स आ सकते हैं. क्योंकि अगर इसी सेक्टर में हम दूसरा स्टॉक जो सिरमा देखे वहां पे भी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी सी चाल आई है. तो ये सिर्फ एक स्टॉक या इसके रिजल्ट के साथ साथ ये दूसरे मतलब ये कंप्लीट ये सेक्टर में एक मुझे लग रहा है मोमेंटम आ रहा है. इसके पहले अंबर के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, तो ये थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है सेक्टर, बट थोड़ा पेशेंस मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत होगी. बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उनको बुक कर लेना चाहिए, इतनी जल्दी इतना जो एक मोमेंटम मिला है वो एक बार कैश इन कर लेना चाहिए. हफ्ते भर के हिसाब से भी देखेंगे तब भी इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न है. इंट्राडे ही रिटर्न सिर्फ 7% का है, और आज आप देखें पूर मौके मिले, कोई बड़े गैप के साथ नहीं खुला था, आराम आराम से शेयर चला और बकायदा डेज हाई पे, जबकि मार्केट अगर आप चेक करेंगे तो जस्ट इसके उल्टा चला. बाजार खुला ऊपर था, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया बाद में, उसके बाद फिर वो नीचे आया. खैर आगे बढ़ते हैं. इस बीच पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो डिक्सन के माफ़ कीजिए